हेलो एवरीबॉडी, हमें पता है कि फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है और फैमिली प्लानिंग यूजली इसलिए की जाती है ताकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स गेन किए जा सके। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी प्रकार की अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। दूसरा है कि जो प्रेगनेंसीज हैं उनके बीच में एक प्रॉपर या रेगुलर इंटरवल रखा जा सके। और तीसरा है कि डिटरमाइन किया जा सके कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं। तो ये तीन मेथड्स या ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हम कहेंगे बहुत ज़रूरी हैं जब हम फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या बर्थ कंट्रोल पे। जब बर्थ कंट्रोल की बात की जाती है तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वो मेथड्स की जिनसे अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं या जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कह सकते हैं, वो यूजुअली तीन टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें से पहला टाइप है यहाँ पे टेम्पररी मेथड, जो दूसरा है उसे हम कहते हैं टर्मिनल मेथड, और तीसरे मेथड को हम कहते हैं करेक्टिव मेथड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन तरह के मेथड हैं जो कि बनाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और इन तीन मेथड्स के अंदर भी हम ढेर सारे सब कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं टेम्पररी मेथड को। तो यहाँ अब हम देखेंगे पहला मेथड जिसे हम कहते हैं टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड का मतलब है कि ये एक टेम्पररी मेथड है, ये हमेशा के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं कर सकता। बट यहाँ हम देखते हैं कि टेम्पररी मेथड को भी हमने पांच तरीके से डिवाइड किया है, जिसमें से पहला मेथड है नेचुरल मेथड। सो हर मेथड का एक थोड़ा अलग तरीका है प्रेगनेंसी अवॉइड करने का, जिसमें से जो पहला नेचुरल मैंने कहा वो बेसिकली अवॉइड करता है स्पर्म और ओवा की मीटिंग को। यहाँ पे हम देखते हैं पहला नेचुरल मेथड जो है वो है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 दिन पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन बाद ये जो डेज होते हैं इन्हें सेफ पीरियड कहा जाता है। इन्हें इसीलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे होता है, तो अगर प्रेगनेंसी होनी है तो वो उसी के आसपास होगी। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि अगर इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बहुत कम हैं। और साथ में ये कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th से 16th डे के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। सो जो कपल्स हैं उन्हें यूजुअली इन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का मतलब है कि जो मेल है वो पीनिस विड्रॉ कर लेते हैं बिफोर इजैक्युलेशन। इसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी में एंटर नहीं कर पाते। तो ये भी एक टेम्पररी नेचुरल मेथड है। लास्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसका क्या मतलब है? हमें पता है कि पार्चुरेशन के बाद कुछ टाइम तक अ फीमेल जो है वो लैक्टेट करती है, यानी कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फेड करती है। इस ड्यूरेशन में क्योंकि प्रोलैक्टिन का अमाउंट बहुत हाई है, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पुश आगे हो जाती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, इसका मतलब है कि आफ्टर लाइक 6 मंथ्स ऑफ पार्चुरेशन बहुत कम चांसेस हैं एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के। तो ये थे कुछ नेचुरल मेथड्स जिनमें हमने देखा कि किसी भी तरह का बैरियर, केमिकल या कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की जा रही है। अगला हम आते हैं बैरियर मेथड पे। तो जो बैरियर मेथड है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो स्पर्म और ओवा को मेट ना करने दे, बट इसके लिए उसे कुछ बैरियर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ हम पहला देखते हैं विच इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्डम्स। कॉन्डम्स में हम ये देखते हैं कि वो कुछ रबर लेटेक्स के बने होते हैं जो कि यूज़ होते हैं मेल पीनिस पे। इसका यूज़ ये है कि ये अवॉइड करते हैं सीमेन को एंटर करने में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एज सून एज द मेल इजैक्युलेट्स। तो ये यूज़ हो गया कॉन्डम्स का मेल्स में। नेक्स्ट है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ये यूजुअली यूज़ होते हैं फीमेल्स में। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे जो हैं ये भी रबर लेटेक्स के ही बनते हैं, जिन्हें फीमेल सर्विक्स में यूज़ किया जाता है सो दैट द स्पर्म्स डू नॉट एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फर्दर।
तो ये थे बैरियर मेथड, जिसमें हमने देखा कि रबर लेटेक्स के यूज से हम जो स्पर्म की एंट्री है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रिवेंट कर सकते हैं। जो थर्ड मेथड है उसे हम कहते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम देखते हैं कि कुछ एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो ऑफकोर्स केमिकल्स हैं, और वो स्पर्मीसाइडल होते हैं। स्पर्मीसाइडल का मतलब है कि जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। तो ये हो सकते हैं क्रीम, फोम या किसी भी तरह के जेली के फॉर्म में। और इनका मेन काम है कि जब हम इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पुट करेंगे तो ये स्पर्म्स को किल कर देंगे। तो इसकी वजह से अगर स्पर्म्स किल हो जाएंगे तो प्रेगनेंसी भी अवॉइड हो सकती है। नेक्स्ट हम आके देखते हैं आईयूडी। आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूटरीन डिवाइसेस। तो जैसे कि इसका नाम है इंट्रा यूटरीन, यानी कि इसे यूटरस में पुट किया जाता है। ये जो डिवाइसेस हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बोला नॉन मेडिकेटेड। तो ये जो नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस हैं ये प्लास्टिक या स्टील के बने हो सकते हैं। जब इन्हें हम पुट करते हैं फीमेल यूटरस में, सो बेसिकली फेगोसाइटोसिस होता है, यानी कि यूटरीन के वॉल के जो सेल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस करके स्पर्म्स को ईट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आईयूडी, जो है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग, तो यहाँ कॉपर का क्या यूज़ है? वेल, कॉपर जो होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत ही डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से भी फर्टिलाइजेशन अवॉइड हो जाता है। लास्ट हम देखेंगे हार्मोन रिलीजिंग। तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, और इनकी वजह से भी जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर जाने से रुक जाते हैं। तो ये हैं कुछ आईयूडीज, जिनमें हमने देखा कि ये कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है टेम्पररली। टेम्पररी का मतलब है ये सिर्फ कुछ सर्टेन पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। लास्ट हम देखेंगे हार्मोनल मेथड्स। तो जैसे कि इनका नाम कहता है हार्मोनल मेथड, यानी कि ये कुछ मेथड्स हैं जहाँ पे हार्मोन्स का यूज़ किया जा रहा है। जिसमें से हम जो पहला मेथड देखते हैं वो है ओरल पिल्स। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि जो हार्मोनल मेथड्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं पहले जगह पे ओव्यूलेशन ही। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो हम ये देखेंगे कि ऑब्वियसली ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। और दूसरा काम जो ये हार्मोनल मेथड्स कर सकते हैं वो है इम्प्लांटेशन अवॉइड करने का। तो अगर हम ओरल पिल्स की बात करें तो ओरल पिल्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो हार्मोन्स का, जो है ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के अलावा सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन भी लिया जा सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं ओरल पिल्स के जो फीमेल्स यूज़ कर सकते हैं, उसका है माला एन, माला डी या सहेली। सहेली एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये बनाया गया था CDRI लखनऊ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइप ऑफ इंजेक्शंस या कुछ इम्प्लांट्स, जैसे कि नॉरप्लांट। तो इसे जब स्किन के नीचे रखा जाता है ये धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहता है एक लंबे समय तक, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है। तो हमने यहाँ देखा हार्मोनल मेथड्स में ओरल पिल्स यूज हो सकते हैं जो फीमेल्स को या मेल्स को भी दिए जा सकते हैं। मेल्स के लिए जो पिल्स होते हैं वो कुछ कॉटन सीड से एक्सट्रैक्ट करके निकाले जाते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि कुछ इंजेक्शंस या फिर कुछ इम्प्लांट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिनका कुछ रिलीज जो होता है हार्मोन, उसकी वजह से हम प्रेगनेंसी अवॉइड करवाई जा सकती है। तो ये थे कुछ टेम्पररी मेथड्स, जिनमें आपने देखा नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूडी और हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स जब हमने देखा तो एक चीज़ मैं आपको नोट कराना चाहूँगी कि ये जो हार्मोन्स की हमने बात की है वो एग्जैक्टली करते क्या हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी पे काम करते हैं। ये हमारे पिट्यूटरी को इनहिबिट कर देते हैं फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो अब जब फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन भी नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से ये हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी अवॉइड करने में। इन्हें बहुत सेफ मेथड भी कहा जाता है और इन्हें लंबे समय तक भी लिया जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ टेम्पररी मेथड्स। आगे चल के आइए हम देखते हैं सेकेंड मेथड, जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल मेथड। सो जो सेकेंड मेथड है वो है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड में हम देखते हैं कि इसे हम सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं,
और इस मेथड का मेन काम जो है वो है अवॉइड करना गेमीट्स का ट्रांसपोर्टेशन, ताकि कंसेप्शन ही प्रिवेंट किया जा सके। जब हम मेल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मेल्स में जब ये सर्जरी होती है तो इस सर्जरी को मेल्स में हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं वैसेक्टमी। वैसेक्टमी का मतलब है कि जो वास डिफरेंस है उसे कट कर देना। तो जैसे ही वास डिफरेंस कट होता है तो जो स्पर्म है वो पीनस तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, तो हम बोलेंगे मेल्स में इसे कहेंगे वैसेक्टमी। और अगर हम फीमेल्स की यहाँ पे बात करें तो हम फीमेल्स में दो मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से हम पहले वाले को बोलेंगे ट्यूबेक्टमी और सेकंड को हम बोलेंगे ट्यूबिकल लाइगेशन। हम यहाँ जो ट्यूब्स की बात कर रहे हैं वो ट्यूब्स हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी का मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर देना, और ट्यूबल लाइगेशन का मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब को बीच से ही ऐसे बांध देना। तो ये हो गया टर्मिनल मेथड, जिसमें हमने देखा कि कुछ सर्जरी या स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है जिसकी हेल्प से जो गैमीट से उनका ट्रांसपोर्टेशन ही अवॉइड कर दिया जाता है। आगे चल के आइए अब हम देखते हैं थर्ड मेथड, जिसे हम कहते हैं करेक्टिव मेथड। तो यहाँ हम देख रहे हैं थर्ड मेथड, जिसे हमने कहा है करेक्टिव मेथड। जो करेक्टिव मेथड है उसमें हम देखते हैं आता है MTP। MTP का मतलब क्या है? MTP का मतलब है मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि जब भी मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी को, बिफोर एक जो एम्ब्रियो है या फीटस है हम कहेंगे वायबल हो जाए, उससे पहले जब भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा उसे MTP या फिर अबॉर्शन कहा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये रिलेटिवली सेफ होता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। MTP कराने के ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, और हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें से 1/5 केसेस में MTP या अबॉर्शन कराया जाता है। ऑफकोर्स ये काफ़ी हेल्पफुल है पॉपुलेशन चेक करने में, बट ये इसका सही कारण नहीं है। इंडिया में 1971 में पहली बार MTP को अलाउ किया गया, बट इसके साथ साथ इसके ढेर सारे स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी लगाए गए हैं। तो अगर हम कंडीशंस देखें तो सबसे पहली कंडीशंस जो MTP की हो सकती है वो है मेडिकल। मेडिकल का क्या मतलब है? कि अगर मदर की हेल्थ को कोई ट्रबल है तो हम MTP करा सकते हैं। सेकंड इज यूजेनिक्स, इसका मतलब है कि अगर जो बेबी है, ये जो फीटस है, उसको कोई भी इलनेस है तो MTP कराया जा सकता है। तीसरा हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, यानी कि इन केसेस ऑफ रेप्स एट्सेट्रा। चौथा हो सकता है अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक ट्रबल है, यानी कि एक मदर के पास ऑलरेडी दो या दो से ज़्यादा बच्चे हैं। और लास्ट हो सकता है जब इंट्रायूटरीन डिवाइस फेल हो जाए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जब MTP या अबॉर्शन कराया जा सकता है। बट किसी भी तरह से फीमेल फीटिसाइड या अननेसेसरली MTP कराना लीगल नहीं है। तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, जिनमें हमने सबसे पहले देखे कुछ टेम्प्रेरी मेथड। टेम्प्रेरी मेथड के अंदर भी हमने ढेर सारे मेथड्स देखे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत आसान है यूज़ करने में। उसके बाद हमने टर्मिनल मेथड पढ़ा, जो कि एक सर्जिकल मेथड है जो फीमेल और मेल्स दोनों पे काम कर सकता है। लास्ट हमने देखा करेक्टिव मेथड, जिसमें हमने देखा कि अगर बाय चांस प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफली उसे अबॉर्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कुछ नेसेसरी रीजंस होंगे। तो ये था बर्थ कंट्रोल।